नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। सीएम शिवराज पहुंचे विदिशा, पिछले कई सालों से दिवाली से एक दिन पहले आते हैं विदिशा। हेलीपैड पर उतरने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा के मां के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। विदिशा में बने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का भी बारीकी से किया निरीक्षण, सर्व सुविधा युक्त बनाने का वादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को नरक चौदस के मौके पर विदिशा पहुंचे। SATI के हेलीपैड पर उतरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निमखीरिया स्थित वेयर हाउस और शेरपुरा स्थित सीएम हाउस में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद रहते हुए भी दीपावली के एक दिन पहले विदिशा आकर यहां पूजा अर्चना किया करते थे। यह नियम सीएम बनने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। आज भी वह सपत्नी विदिशा आए हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान वे रंगाई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर भी जाएंगे। हेलीपैड पर भाजपा के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विधायकों ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रशासनिक अमला भी तैनात रहा। सीएम शिवराज और साधना सिंह चौहान भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रहे श्याम सुंदर के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके माता के देहांत पर शोक व्यक्त किया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह चौहान बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे कॉलेज का निरीक्षण कर अब तक की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तमाम व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था, उसके बाद सरकार चली गई थी। कोरोना काल की वजह से कॉलेज में जो गति आना चाहिए वह नहीं आई। अब जल्द से जल्द इस कॉलेज को सिर्फ विदिशा ही नहीं, आसपास के अन्य जिलों के लिए भी सर्व सुविधा युक्त इलाज के लिए तैयार किया जाएगा। छुट्टी इसके एक महीने के लगभग यहां लग जाएगा। MRI डॉक्टरों की कमी को भी जल्द दूर किया जाएगा। उनका जल्द एक कॉलेज को व्यवस्थित करके इस स्तर पर लाया जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर किसी को कहीं और इलाज के लिए ना जाना पड़े। लाइव टीवी समाचार के लिए विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था और आगे बढ़ा। यह विदिशा को बहुत बड़ी सौगात है, जिले को और आसपास के जिलों को बहुत बड़ी सौगात है। बीच में चूंकि सरकार नहीं रही थी, तब अपेक्षित गति से काम नहीं हुआ और बाद में कोविड के संकट के दौरान कोविड के अलावा बाकी व्यवस्थाएं हम कर नहीं सके थे। अब हमारा लक्ष्य है विदिशा मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे यहां अभी MRI की मशीन नहीं है, लेकिन वो लगभग 2 महीने में आ जाएगी। CT स्कैन भी आ रही है, रास्ते में है, 1 महीने में CT स्कैन मशीन भी यहां लग जाएगी। 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं। इसके साथ कुछ फैकल्टीज, अभी 73 फैकल्टीज यहाँ पे हैं 132 में से, तो उनको भी हमको शुरू करना है। उसके लिए जो आवश्यक भर्तियां हैं वो भी हम करेंगे। ऑपरेशन थिएटर कार्यशील हो गए हैं, लेकिन अभी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, मैंने आज निर्देश दिए हैं, मेडिकल कॉलेज विदिशा में है तो यहाँ का पेशेंट कोई भी जिले का आसपास का फिर भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो उसके अनुरूप जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो बन रही है। आपने देखा कि भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, आधुनिकतम व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं। उनमें कुछ चीजों को और जोड़ के इसको हम ऐसा मेडिकल कॉलेज का रूप अब दे रहे हैं कि जिससे इलाज की सारी सुविधाएं, चाहे वो ऑपरेशंस की हों या बाकी प्रकार के इलाज की हो, यहीं पर उपलब्ध कराएं। आज मैंने इसका निरीक्षण किया है, कुछ निर्देश दिए हैं और जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की दिशा में कदम उठाएं। मध्यप्रदेश उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।